पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बजरंग नगर कॉलोनी में नगर निगम द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन का लोकार्पण और अनोखी होटल के पास विधायक निधि से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्षद सतीश सोगरवाल ने किया। समारोह में डॉक्टर गर्ग ने कहा कि क्षेत्र की कॉलोनियों से सड़क, बिजली, विद्यालय खोलने जैसे कार्य कराए जा चुके हैं और शीघ्र ही चंबल का मीठा पानी भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन क्षेत्र के निवासियों को सामाजिक कार्य आयोजित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सामुदायिक भवन में जनता क्लिनिक खुलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। सामुदायिक भवन के ऊपर बने पुस्तकालय का उपयोग क्षेत्र के विद्यार्थी पठन पाठन के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि CFCD योजना के तहत नालों के निर्माण के बाद कॉलोनियों में नालियों का निर्माण करा दिया जाएगा। डॉक्टर गर्ग ने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि वो अपने बालक बालिकाओं को नियमित रूप से स्कूल भेजे ताकि पढ़ लिख कर देश और समाज के विकास में भागीदार बन सके। कार्यक्रम में पार्षद सतीश ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुरवारा के सरपंच रवि कुमार, क्षेत्रीय पार्षद विजय भारतिया उपस्थित थे। प्रारंभ में डॉक्टर गर्ग का जवाहर सिंह, रघुवीर सिंह, मनोहरी, गिरिराज, रंजीत जटोली, पवन जाटोली आदि ने भव्य स्वागत किया। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। निश्चित रूप से मान्य है, मैं भी मजाक करता रहता हूँ, बैठे हैं प्रॉपर्टी में, कभी एक रुपए का मतलब अपने भी उन्होंने अरे मीटिंग में जब भाग के आते और आज भाग के आ रहे हो, इसमें हो गया नहीं हो गया, गरीब आदमी का खाना हो गया नहीं हो गया, जिसने बड़ी मेहनत से छोटा प्रोडक्ट लिया या एक ले लिया, ये ठीक है, इनको ज्यादा फायदा हो गया है। शिक्षा स्वास्थ्य पांच की जरूरत है, टाइम जरूर लगता है, सरकार अब जो है नई बनी है तो बजट भी अभी इनसे बजट आया है, मेन बजट आएगा जून जुलाई में, तो उसमें नगर निगम के माध्यम से इक्विटी के माध्यम से नालों का भी निर्माण काम करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारा जो CFC का काम हो गया है, नाले बन जाए पहले आउटर से, तो जब तक बोरी बनेंगे पानी को कहाँ निकालोगे, कोई भी जगह झगड़े होंगे आपस में, इसे मेरे छोड़ दिया भरा चले कर दिया भरा नहीं दिया, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि मैंने जो एक संकल्प लिया था कि कृषि भूमि पर मजदूर कबरियों को अच्छा बनाना, सड़क के बिजली पानी, उस पर मैं काफी हद तक सफल रहा और ये सब